हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम टॉप 10 स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि ये 10 स्टॉक को हम करंट मार्केट सिनारियो पे अभी बाय करके चल सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए। इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी कुछ स्टॉक इसमें हैं जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए भी लेके चल सकते हैं। इसमें बहुत बढ़िया सा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। 6 मंथ्स में 30-40% तक आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसीलिए ये वीडियो को जरूर आप आखिर तक जरूर बने रहिए। इसमें 10 नंबर स्टॉक जो है, जबरदस्त स्टॉक है ये स्टॉक, आपके पोर्टफोलियो में जरूर रहेगा। तो इसीलिए वीडियो को आपको देखना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। अभी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इमिडिएटली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको टाइमली हर कोई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकता है। तो आप टाइमली कोई भी स्टॉक को बाय करके आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि ऐसे हर एक वीडियो हम डेली बनाते रहते हैं, लेकिन जो स्टॉक भाग रहा होता है उस स्टॉक में हम इमिडिएटली पोजीशन नहीं बनाते, वो स्टॉक को अवॉइड करते हैं। देखिए, अभी आज की डेट पे अगर आप देखेंगे तो 7-8% का रैली दिखाया था गल्फ ऑयल का। मैंने गल्फ ऑयल के बारे में भी बताया था, ये स्टॉक को 3 दिन पहले मैंने आपको बताया था, ये स्टॉक को इतना ज्यादा रिस्क नहीं है, स्टॉक को लेके चल सकते हैं। आज एक स्टॉक में अच्छा सा रैली दिखाया था, ठीक है। अभी ऐसा नहीं कि रैली खत्म हो गया, ये स्टॉक में बहुत अच्छा सा अपॉर्चुनिटी अभी भी बना हुआ है। अगर अभी तक भी आपने मतलब ये वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है, वीडियो को जरूर देख लीजिए। इसमें कौन सा टारगेट तक आप लेके चल सकते हैं उस वीडियो में बताया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी अगर पहला स्टॉक के बारे में बात करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, ये एक डेट फ्री कंपनी है, अवर्ट इंडिया। अवर्ट इंडिया में जिस हिसाब से करेक्शन चल रहा है ना, अभी इसको मौका की तरह देखना चाहिए। क्योंकि बाकी अगर आप कहीं पे मीडिया वगैरह फॉलो करेंगे, वहां पे बताएंगे कि 200 डे का मूविंग एवरेज आ गया, बहुत बड़ा सा करेक्शन हो सकता है, तो इसलिए आप निकल जाओ। मैं फ्रेंड्स आपको बताता हूँ, इस स्टॉक में आपको अभी इमिडिएटली एंट्री लेने का टाइम है। क्योंकि देखिए, स्टॉक आपके लिए बहुत बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी दे रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज के पास में आ चुका है। और यहाँ पे अगर आप बात करेंगे सपोर्ट की, बात करेंगे स्टॉक, देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक अच्छा सा सपोर्ट है, तो उसी रेंज पे बिल्कुल चल रहा है स्टॉक। तो आप अगर इस स्टॉक में अभी भी करेंटली अगर इस स्टॉक में आप बाइंग करके चलते हैं, तो आपको देखिए कितना परसेंटेज का गेन यहाँ पे मिल सकता है। अगर ऑल टाइम हाई तक अगर इस स्टॉक को आप होल्ड करते हैं, आपको 36% का गेन मिलता है, 35% का गेन मिलता है। अगर फिर भी अगर 1 साल भी लग जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 साल में अगर आपको 30% का गेन का हम हमेशा एक कैलकुलेशन करते हैं, 30-40% आपको मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी तो आपको 30-40% का बीच में मिल रहा है, जो कि 36% का गेन मिल रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है आपको बहुत जल्दी ये टारगेट अचीव हो सकता है। 8 मंथ्स 9 मंथ्स में आपको टारगेट अचीव हो सकता है, या तो फिर 6 मंथ्स में अचीव हो सकता है। लार्ज कैप स्टॉक है, इसमें डेट मतलब इतना ज्यादा रिस्क भी नहीं है। मैं क्यों ये स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, इसमें ज्यादा रिस्क नहीं है क्योंकि ये डेट फ्री कंपनी है, और अगर ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, प्रमोटर का होल्डिंग 75% है, एक लार्ज कैप स्टॉक है फ्रेंड्स, ठीक है। और बहुत अच्छा से करेक्शन हो चुका है, तो अभी मेरे हिसाब से ये स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में लेके चलना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, आखिर स्टॉक जरूर देखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है आखिर स्टॉक आपके पास में जरूर रहेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बढ़िया सा स्टॉक है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे, सबको पता है कोलगेट पामोलिन है। ये स्टॉक में अगर आपका पोर्टफोलियो में अगर नहीं है, तो आपका पोर्टफोलियो मुझे लगता है ऐसा स्टॉक का इंतजार कर रहा है, ठीक है। ऐसा करेक्शन टाइम पे अगर ये स्टॉक का अगर आप लेके चलेंगे, आपको कभी भी स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं होगा, बिलीव मी, कभी भी आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है। भले कुछ दिन से कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन अभी तक अगर आपने यहाँ पे पोजिशन नहीं बनाया है, तो अभी इमिडिएटली पोजिशन बना लीजिए। यहाँ पे भी अभी आपको 30% का गेन मिल सकता है, लेकिन आपको अगर 30% के लिए अगर स्टॉक को पोजिशन बनाना, ऐसा भी नहीं है। ये स्टॉक को यहाँ पे अगर यहाँ पे जब लाइफ टाइम हाई तोड़ेगा ना, उसके बाद में स्टॉक में और भी रैली दिखाएगा, ठीक है। ये लार्ज कैप स्टॉक है, बहुत बढ़िया सा स्टॉक है, एफएमसीजी का मार्केट लीडर है। तो ये स्टॉक को भी अपना पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस स्टॉक का डेट के बारे में बात करेंगे, ये एक डेट फ्री कंपनी है, ठीक है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। 39,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि लार्ज कैप स्टॉक है। आरओसी देखिए, 92 का आरओसी है, और प्रमोटर का होल्डिंग 51% है। अगर यहाँ पे देखेंगे एफआई का सबसे ज्यादा होल्डिंग है, देखिए 19% एफआई के पास में भी होल्डिंग है, तो यहाँ पे खरीदारी हो रहा है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक में भी आपका पोजिशन रहना चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, जब स्टॉक नीचे जा रहा था ना, उस टाइम पे मैंने बताया था, ऑलरेडी तो रिवर्सल आ चुका है, अभी भी एक बहुत अच्छा से गेन देने का दम रखता है ये स्टॉक, जो कि म्यूचुअल फंड बिजनेस में है, और 22,000 करोड़ का मार्केट कैप ऐसा कुछ रहेगा फ्रेंड्स। सॉरी, एक बार देख लेते हैं, नाम इंडिया, करेक्ट,
22,000 करोड़ का मार्केट कैप है और डेट फ्री कंपनी है, ठीक है ना। तो ये स्टॉक को भी अपना पोर्टफोलियो में रखना चाहिए क्योंकि इसका आरओसी देखिए, यहाँ पे 31% का आरओसी है, प्रमोटर का होल्डिंग 73.8% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है। ये स्टॉक में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर इसका आपको अगर इसको लॉन्ग टर्म में भी लेके चलेंगे ना फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पे 34% का सीरियल रिटर्न दिया है 3 साल में, बेहतरीन एक मल्टीपल रिटर्न दिया है, और अगर हम इसमें स्विंग ट्रेड करेंगे तो और ज्यादा गेन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन बना लीजिए, यहाँ पे अगर ऑल टाइम हाई तक अगर इसको लेके चलते हैं 476 टारगेट तक, आपको एक यहाँ पे 29% 30% तक का गेन मिल सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो एक बढ़िया सा स्टॉक है। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट स्टॉक जो है फार्मास्यूटिकल बिजनेस में जुड़ा हुआ है जो कि फाइजर इंडिया है। अगर फाइजर इंडिया के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे ट्रेडिंग हो रहा है 4883 पे। अगर अभी भी करंट सिनेरियो पे आप अगर इस स्टॉक को लेके चलते हैं, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे 26% का प्रॉफिट मिल सकता है। अगर स्टॉक के बारे में बात करेंगे, एक डेट फ्री कंपनी है, देखिए एक 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इसका आरओसी की अगर हम बात करेंगे 23 का आरओसी है, प्रमोटर होल्डिंग जो है 63% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है, और स्टॉक एक बढ़िया सा अभी करेक्शन पे ट्रेडिंग हो रहा है। अगर डेट यहाँ पे देखेंगे तो एक डेट फ्री कंपनी है, तो इसी हिसाब से मुझे लगता है ये स्टॉक को भी अपना पोर्टफोलियो में लेके चलना चाहिए क्योंकि आने वाले टाइम पे ये भी आपको बढ़िया सा मुनाफा देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जब बात करेंगे, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टॉक जो है वर्लपूल इंडिया है फ्रेंड्स। वर्लपूल में भी अगर अभी तक आपने पोजिशन नहीं बनाया है, अभी भी यहाँ पे वर्लपूल इंडिया में अभी भी मौका दे रहा है, ठीक है। अभी इसी हिसाब से अभी भी अगर आप पोजीशन बना के चलते हैं ना, आपको अभी भी एक अच्छा सा गेन देने का दम रखता है यहाँ पे वर्लपूल इंडिया। वर्लपूल इंडिया में अगर अभी से आप देखेंगे तो यहाँ से ऑल टाइम हाई तक अगर स्टॉक में पोजीशन बना के रखते हैं, यहाँ आपको आपको सॉरी 48% का गेन मिल सकता है फ्रेंड्स। जो टाइम पे जो स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ ना फ्रेंड्स, उसी टाइम पे वो स्टॉक को लीजिए। अगर आप डिले करेंगे ना तो ऐसा भी हो सकता है वो स्टॉक में फिर कल के दिन में जब रैली आ जाएगा तो वो स्टॉक को आपको मिस करना पड़ेगा। जब रैली आ जाता है ना कोई भी स्टॉक में, आप उस टाइम पे उस स्टॉक में पोजिशन मत बनाइए, ठीक है। आप वो स्टॉक का पीछे चेस करना नहीं होता है, तो इसलिए अगर स्टॉक कहीं सा देखिए जैसे अभी गल्फ ऑयल का बारे में बात कर रहे थे, अगर वो स्टॉक कल की डेट में भी अगर 5% का रैली दिखा है तो वो स्टॉक में वहां पे तो बल्कि पोजीशन मतलब और बहुत और पोटेंशियल बचा हुआ है। लेकिन ऐसे भी कोई स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, सपोज आपने पोजीशन नहीं बनाया और वहां पे एक रैली आ गया तो वहां पे रैली के ऊपर जाके बैठना नहीं है, ठीक है। और बाकी बहुत सारा स्टॉक है जो कि डेली हम बात करते हैं, वो स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसी हिसाब से अभी भी मुझे ऐसा नजर आ रहा है ये वर्लपूल में अभी भी आप पोजीशन बना के चल सकते हैं। 23 करोड़ का मार्केट कैप है और प्रमोटर का होल्डिंग 75% डेट फ्री कंपनी है, ठीक है। तो इसी हिसाब से ये स्टॉक में भी अपना पोजीशन बना के चल सकते हैं, यहाँ पे भी एक अच्छा सा गेन आपको देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स। अगर आप देखेंगे तो इसी हिसाब से और एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि बायर क्रॉप साइंस है फ्रेंड्स। ये इसके बीच में और एक चीज मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, काफी सारे बंदे का ये भी सवाल आता है, काफी सारा क्वेश्चन आता है, ये स्टॉक जब गिरता है ना उस टाइम पे मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते, स्टॉक जब फॉल होता है ना उस टाइम पे ऐसा लगता है कि स्टॉक बहुत नीचे नीचे जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और जो जो नेगेटिव थिंकिंग रखता है कोई भी स्टॉक में पोजीशन बनाने के बाद में, मैं उनको जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, तो आप कोई भी स्टॉक बाय करने से पहले खुद का रिसर्च जरूर कर लीजिए, उसी बेसिस पे बाय कीजिए। और कोई भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं मैक्सिमम 5% नहीं तो 3% तक इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपका पोर्टफोलियो अगर 30 स्टॉक रहता है, कोई एक स्टॉक अगर 20% तक गिर गया है ना तो उसके बावजूद भी आपको टेंशन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है। तो स्टॉक मार्केट में अगर आपको बढ़िया सा प्रॉफिट आता है, लॉस भी देखने का आदत रहना चाहिए कोई एक स्टॉक में। अगर हम अपना पोर्टफोलियो में 20-30 स्टॉक लेके चलते हैं, कोई एक स्टॉक परफॉर्मेंस नहीं देगा, ठीक है, ये बिल्कुल आपका नजर में रहना चाहिए। क्योंकि ये इस चीज का मैं क्यों बार बार जिक्र कर रहा हूँ, ये चीज का अगर आप दिमाग में रखेंगे ना तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। अगर आप दूसरे के साथ में ऐसे ही मिला जुला होकर रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, पोर्टफोलियो को जरूर डाइवर्सिफिकेशन रखिए, आपका पोर्टफोलियो में 3-5% का इन्वेस्टमेंट कीजिए एक ही स्टॉक में। ओवर मतलब ये मत कीजिए, ओवरवेट मत कीजिए कोई भी स्टॉक में। देखिए अभी एशियन ग्रेनाइट के बारे में मैंने वीडियो बनाया था, उसके बारे में फिर से जब स्टॉक एक बार नीचे गिरता है ना उस टाइम पे बार बार कमेंट आ जाता है, जब स्टॉक भागने लगता है उस टाइम पे तो आप एक्साइटमेंट में आ जाते हैं कि स्टॉक तो भाग रहा है भाग रहा है।
ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्टॉक में अगर आपने आज पोजीशन बनाया तो आपको प्रॉफिट देखने मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई एक एक स्टॉक को आपको 1 महीना 6 महीना के लिए भी होल्ड करना पड़ सकता है, क्योंकि जहां पे 100% की गेन की बात आता है तो 100% गेन आपको 3 मंथ्स में नहीं मिलने वाला है, या तो फिर 2 मंथ्स में नहीं मिलने वाला है, हो सकता है आपको 1 साल भी लग जाए। ठीक है, ये भी अपना दिमाग में जरूर रखना चाहिए। ठीक है, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक है, अगर आप ना उसका एनालिसिस देखना चाहते हैं, यहाँ पे जरूर विजिट कर सकते हैं। विजिट करके वो स्टॉक का एनालिसिस जरूर देख सकते हैं। उस स्टॉक को सेल करने से पहले ना एक बार जरूर खुद का एनालिसिस जरूर कर लीजिए, क्यों स्टॉक आपने बाई किया था, इसे सेल करने के लिए बाई किए थे क्या। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टेस्टी बाई स्टॉक है, काफी दिन से चल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उस स्टॉक को सेल करके निकल जाएंगे। एक मल्टीबैगर स्टॉक है, इसको क्यों सेल करेंगे। मैं तो इसको बाय करने के बाद में है, मैं अभी प्रॉफिट में हूँ, कुछ 12-13% प्रॉफिट में अभी भी हूँ। ठीक है, अभी देखिए अमर राजा बैटरी के बारे में हम बात कर रहे थे, स्टॉक में करेक्शन चल रहा था तो मैं उस टाइम पे बोल रहा था कि बाय करो बाय करो बाय करो। अभी देखो, अभी आज के दिन में एक अच्छा सा है, वहां पे एक जंप देखने को मिला है। अभी देखिए यहाँ पे बजाज कंज्यूमर अभी तक यहाँ पे रन अप नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्टॉक खराब है। सब आएगा, सबका टाइम एक एक करके आएगा। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी स्टॉक को आपने होल्ड किया ना, उस स्टॉक को मतलब होल्ड कीजिए, मतलब सेल मत कीजिए लॉस में। हाँ, यहाँ पे अगर आपको कुछ सीखना चाहते हैं, यहाँ पे प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट में अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, पोर्टफोलियो रिव्यू, और यहाँ पे है ये, मतलब यहाँ पे हम मैं कैसे स्टॉक को सिलेक्शन करता हूँ, वो सारे पैरामीटर यहाँ पे बिल्कुल बताया हुआ है। आप जरूर जाके विजिट करके सीख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अभी चलिए यहाँ पे बायर क्रॉप्स के बारे में अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, अभी तक भी अगर इस स्टॉक में आपने पोजीशन नहीं बनाया, अभी भी एक मौका है। अभी भी अगर आप पोजीशन बनाते हैं ना, आपको एक शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छा सा गेन मिल सकता है। यहाँ से अगर आप यहाँ तक भी राइड करते हैं स्टॉक में, यहाँ पे ऑल टाइम हाई तक का अगर आपको 24% का गेन मिल सकता है फ्रेंड्स। एक डेट फ्री कंपनी है, बायर क्रॉप्स के बारे में अगर बात करेंगे तो ये एक डेट फ्री कंपनी है, तो यहाँ पे इतना ज्यादा रिस्क नहीं है। 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग 71% का है, प्रमोटर का होल्डिंग। ये स्टॉक में भी आप पोजीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि एमसीएक्स है फ्रेंड्स। अगर ये स्टॉक में आपका पोर्टफोलियो में है तो मुझे लगता है आपको ये स्टॉक में बने रहना चाहिए, जो कि आपको ये इमीडिएटली गेन दिखा सकता है। ठीक है, ये इमीडिएटली यहाँ तक का गेन जरूर नजर दिखा सकता है, जो कि आपको 21% का गेन मिल सकता है। ये आपको 3 मंथ्स में जरूर अचीव हो सकता है, मुझे जिस हिसाब से लग रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टॉक में भी आपको बने रहना है, और पेशेंस के साथ में आप बने रहिए, क्योंकि काफी सारा स्टॉक क्या होता है ना, कंसोलिडेशन के बाद में एक दिन में भागता है। देखिए आरबीएनएल के बारे में हम कई बार बात किया है, वो स्टॉक देखिए काफी दिन से कंसोलिडेशन में था, अभी भागने लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे अक्जो नोबेल है। अक्जो नोबेल के बारे में अगर बात करेंगे, ये भी एक डेट फ्री कंपनी है, तो ये भी इस कंपनी में भी आप पोजीशन बना के चल सकते हैं। काफी दिन से ये स्टॉक में है, कंसोलिडेशन चल रहा है, काफी दिन से करेक्शन चल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनी खराब है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जबरदस्त गेन देखने को मिल सकता है। अगर आप इमीडिएटली टारगेट के बारे में बात करेंगे ना, तो इमीडिएट अगर यहाँ तक की भी अपन टारगेट बना के चलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको एक 25% का गेन मिल सकता है। ठीक है, मैं तो आपको बताना चाहूंगा कि ये स्टॉक को आप रखिए अपने पोर्टफोलियो में, 3,180 तक का अपना पोर्टफोलियो में अगर रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा सा यहाँ पे गेन मिल सकता है। ठीक है, अगर वहां तक भी ये स्टॉक में राइड करते हैं आप, 61% का गेन मिल सकता है। ऐसा हो सकता है स्टॉक में आपको 1 साल लग जाए, क्योंकि रिवर्स रिडेंशियल पैटर्न है। ठीक है, तो 1 साल भी लग जाए, लेकिन 3,196 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। और लास्ट स्टॉक तो जबरदस्त स्टॉक है, वो तो आपको देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए अमर राजा बैटरी है। अभी तक भी आप अगर आपने ये स्टॉक में पोजीशन नहीं बनाया, मैंने यहाँ पे वीडियो बना के आपको बताया था। ठीक है, अगर अभी तक भी आपने पोजीशन नहीं बनाया है, ट्रेंड तो अभी तक छूटा भी नहीं है, अगर अभी भी आप पोजीशन बनाएंगे ना, तो यहाँ पे जो फास्ट टारगेट है, अगर ये स्टॉक में अगर फास्ट टारगेट तक अगर आप बने रहते हैं, आपको एक 19% का गेन मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे ऑल टाइम हाई तक का अगर आप बने रहते हैं, आपको यहाँ पे 55% का गेन मिल सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक में है, बहुत अच्छा अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको डरने का कोई रीजन में नहीं है। सो मार्केट लीडर कंपनी है, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं ना, सब लीडर बिजनेस है। देखिए ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, तो बैटरी बिजनेस में मार्केट लीडर है। ठीक है, तो ये स्टॉक में भी आपका पोर्टफोलियो में होना चाहिए।
अगर है तो होल्ड कीजिए, सेल मत कीजिए। आखिरी स्टॉक है, देखिए आपका जो फेवरेट स्टॉक है यहाँ पे एवेन्यू सुपरमार्ट है। अगर डी मार्ट के बारे में बात करेंगे ना फ्रेंड्स, ये स्टॉक में भी अपना पोर्टफोलियो में है। अगर अभी तक भी आपने कंसीडर नहीं किया अभी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्टॉक में यहाँ से अगर रिवर्सल आ जाता है तो ठीक है, आप वो रैली एंजॉय कीजिए। अगर यहाँ से थोड़ा सा भी करेक्शन होता है 5% 10% और थोड़ा सा क्वांटिटी फिर ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप पोजीशन बना के चलेंगे तो यहाँ से अगर ऑल टाइम हाई तक भी लेके चलते हैं आपको 34% का गेन मिल सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है और डेट फ्री कंपनी है, ठीक है। ये सारे स्टॉक जो है, सारे स्टॉक के बारे में हमने जो बात किया, ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। ये स्टॉक में इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक में आपको 30-40% का गेन, आपको एक साल में 40% से ज़्यादा भी गेन मिल सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे स्टॉक को आप कंसीडर करके चल सकते हैं। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे पहले आप खुद का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, इससे कोई गारंटी नहीं होता है कि आपको 1 मंथ्स में, 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में आपको रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा कभी कभी हो सकता है, हमें 1 साल भी लग सकता है, हमें 8 मंथ्स भी लग सकता है, हमें 6 मंथ्स भी लग सकता है। उसी हिसाब से हम बोरोइंग मनी में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, खुद का कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करेंगे या तो फिर ट्रेडिंग करेंगे और 30-40% साल में कमाएंगे, ठीक है। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इमिडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में बेल बटन को भी प्रेस करके रख लीजिए, अभी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन का आपको टाइमली मिल सकता है। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, ताकि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा सा गेन कमा सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।